देखिए, मैं अभी तक अभी जो वैसे कहने को छोटी फिल्में होती है वो 7 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, उसमें से 4-5 में डबिंग भी हो गई है। एक फिल्म का कुछ एक दिन का काम बाकी है और डबिंग बाकी है। अभी छोटी फिल्में हैं तो रिलीज़ कभी होगी पता नहीं है, लेकिन मेरे कैरेक्टर अच्छे हैं, फिल्में अच्छी है, देखते हैं कभी रिलीज़ होती है। आगे मैं रईस कर रहा हूँ राहुल दौलखिया के साथ, शाहरुख खान है इसमें, और एक संजय गुप्ता की फिल्म कर रहा हूँ। क्या रोल के बारे में बता सकते किसी रोल तो मैं सकल ऐसी है तो विलन के ही रोल मिलेंगे मेरे को, और तो कोई रोल मिलते नहीं। अच्छा, रईस की बात करें तो कैसे आपको मिली, स्टोरी कैसे मिली और किस तरह से जुड़े उसके बारे में बताएं। रईस के लिए जो राहुल दौलखिया दोस्त है मेरा, और मैं चाहता था कि शाहरुख खान के साथ भी काम करूँ, इसलिए मैं उनको अप्रोच किया था और उन्होंने बोला करते हैं अपन साथ में। सर, रईस का पोस्टर देखा मैं, काफ़ी सीरियस लग रहा है, तो आपने इसलिए कोई खास तैयारी किया, इस फिल्म के लिए कोई प्रिपरेशन किया या? तैयारी क्या होती है, जब भी कैरेक्टर सुना जाएगा तभी तैयारी करेंगे, अभी तैयारी करके क्या करेंगे। सर, आप फिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं और एक्टर भी है, तो आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है, एक्टिंग करना या डायरेक्शन करना, फिल्म को डायरेक्ट करना? देखो, मुश्किल हर काम मुश्किल है, लेकिन आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जल्दी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो एक्टिंग में तो संभाल सकते हैं डिस्टर्ब होने के बाद भी, डायरेक्ट करने में नहीं संभाल सकते। तो मेरे हिसाब से ना मेरे को डायरेक्ट करनी चाहिए फिल्में, और हाँ, मैं तभी डायरेक्ट कर सकता हूँ जब भी मेरे को पूरी की पूरी टीम एक सही मिले और अच्छी तरह काम करे लोग, फैमिली बन के अच्छे इन्वॉल्व होके, तो मैं अच्छी फिल्म बना सकता हूँ। लेकिन आज की तारीख में सबके सब अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है। सर, हमने आपको हमेशा सीरियस रोल में देखा है, तो आपको मतलब क्या पसंद है, सीरियस रोल करना पसंद है, कॉमेडी रोल करना पसंद है, किस तरह का रोल करना आपको पसंद है, कोई ड्रीम रोल आपका जो रहना चाहिए? ड्रीम रोल अच्छा कैरेक्टर, यानी ऑलवेज ड्रीम कैरेक्टर ही होता है। वैसे मैं एक फिल्म की है मैंने अभी उसका भी एक दिन या दो दिन का काम बाकी है, वो है रॉबिनहुड के पोते, उसमें कर रहा हूँ विलन का काम, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है उसमें, तो वो काम करने को ज़्यादा मज़ा आया, जो भी जाना मैं जो कर रहा हूँ उससे हटके कर रहा हूँ, तो अच्छा है वो। सर, आपके फिल्मी सफर की बात करें तो कहाँ से शुरुआत किया, मुंबई तक के सफर के बारे में बताइए। मुंबई का सफ़र, मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मेरे फादर की उनका बर्थ भी यहीं हुआ था, तो हम है मुंबई से ही बेसिकली, और फिल्म लाइन में मैं आया 1985 में, और मैं आया बिकॉज ऑफ मिठुन चक्रवर्ती, और उसके साथ मैंने पहली फिल्म बनाई इलाका, मिठुन, संजू, धर्मेंद्र, ये लोग के साथ।